छोड़ी तो हमारा बुरकी जिंदा हम करे छै दादा के देखन फोन लगे श्री रमाकांत राय जी जो सरल सरल कार्य तो करते हैं पर दिखाई नहीं पड़ते, होना भी यही चाहिए। कार्य तो करे पर दिखाई न पड़े। श्री राम चरित मानस में कथा आती है, आप लोग सुनते हैं। भगवान श्री राम के ऐसा कौन कार्य है जिस कार्य को हनुमान जी महाराज करते नहीं। कार्य तो सब कुछ करते हैं पर अपने आप को दिखाते नहीं। गोस्वामी साहब हनुमान चालीसा में कहते हैं, दुर्गम कार्य जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। श्री हनुमान जी महाराज जो दुर्गम कार्य था समुद्र को पार करना, हनुमान जी समुद्र को पार करते हैं। जो देवताओं के द्वारा भी लंका अजेय थी, जिस लंका की ओर देवता भी दृष्टि देख नहीं सकते थे, रावण के द्वारा उस सुरक्षित दुर्ग में हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं। रावण के द्वारा पारित उसकी अशोक वाटिका थी, उस अशोक वाटिका को नष्ट कर देते। अशोक वाटिका को नष्ट करते, वन को उजाड़ देते, लंका को जला देते हैं। भगवती जनक नंदनी जानकी जी का पता लगा करके समुद्र पार करके हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके पूछा, हनुमान इतने बड़े बड़े कार्य को तुमने कैसे किए। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, प्रभु मैं तो एक छोटा सा बूंदन हूँ, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा के शाखा फल जाए। एक बंदर